उत्तराखंड से लेकर हेडलाइंस पर। कार्यकर्ताओं में जोश भरने आज देहरादून आएंगे अमित शाह, लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। इस गांव में बसने वालों को मिल रहा है मुफ्त में घर और 8 लाख रुपए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा पर बोले दर्शक रोंगटे खड़े कर देंगे ये फिल्म। अब देखते हैं खबरें विस्तार। देहरादून बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज राजधानी देहरादून में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। अमित शाह बीजेपी के तिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीटों के बूथ स्तरीय स्त्री शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान संगठन के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के देहरादून आगमन को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं प्रशासन ने उनके दौरे को मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इटली का एक गांव अपने यहां बसने वालों को मुफ्त में घर और 10,000 यूरो यानी करीब 8.25 लाख रुपए देने का ऑफर दे रहा है। उसका ये प्रस्ताव खास तौर पर युवा फैमिली के लिए है। गांव चाहता है कि नए लोग यहां आए, उनके समुदाय का हिस्सा बने। ये गांव उत्तरी इटली के पिडमांट क्षेत्र में लुगाना जिले में है। इस जिले के कई गांव सूने पड़े हुए हैं, वहां की आबादी कम हो गई है, ज्यादातर बाशिंदे बूढ़े हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि गांव में कुछ युवा लोग आए। हैदराबाद सोनम कपूर आहूजा की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा शुक्रवार को सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म में अनिल कपूर, राजकुमार राव और जूही चावला भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन शैलेश चोपड़ा धर ने किया है। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक तरफ एक यूजर ने लिखा कि क्या फिल्म है, प्यार को गहराई से समझने के लिए फिल्म को जरूर देखिए। तो देखते रहिए खास खबर। तो खबर में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और